तो कैसे आप लोग हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आप सभी को कि ड्रीम क्रिकेट 2024 गेम जो है क्या हमको आज के दिन यानी कि 15 अगस्त के दिन प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो उससे पहले आज गाइस आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड गाइस ऐसे ही प्यार बनाए रखें एंड भाईचारा निभाते रहें। तो यही बोलना चाहूँगा एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर न्यू में सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर अच्छे से अच्छे कमेंट कर देना। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज यार यहाँ पे अभी के समय ड्रीम क्रिकेट 2024 का हमारी क्रिकेट कम्युनिटी में बहुत बड़ा हाइप बना हुआ है एंड ये गेम अभी प्ले स्टोर के ऊपर नहीं आया है। इसका ट्रेलर एंड बीटा टेस्टिंग का गेम प्ले देख के लोग इसके फैन होते जा रहे हैं कि यार भाई हमको कब देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी कि 15 अगस्त को यानी कि आज के दिन हम सभी को ये प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। अब भाई इसी चीज़ के बारे में भी बताना चाहूँगा, ड्रीम क्रिकेट 2024 जो है हमारे प्ले स्टोर के ऊपर नहीं आया है, इंडिया के ऊपर अभी सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। तो आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा गाइस, देखो आज के दिन जो है ड्रीम क्रिकेट 2024 में प्ले स्टोर के ऊपर आने वाली बात में इंडा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे क्या ऐसा क्या चीज़ है जो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ड्रीम क्रिकेट 2024 जो गेम है उसका आप सभी को पता है कि यार जो ट्रेलर है वो दोबारा लॉन्च किया गया, रिलॉन्च है, यानी कि प्ले स्टोर के ऊपर मतलब सॉरी यूट्यूब के ऊपर ने अपना ट्रेलर नहीं डाला था, तो इसलिए ने उसी ट्रेलर को डाला लेकिन इंडियन टीम की जर्सी डाली। एंड बात की जाए इस गेम का ट्रेलर आ चुका है एंड ट्रेलर आने के एक महीने के अंदर गेम आ जाता है लगभग, यहाँ पे जितना आपको पता है 1-1.5 महीने के अंदर गेम आ जाता है, सबको पता है ठीक है। एंड बात निकल के आती है यार भाई हमको क्या और ट्रेलर देखने को मिलेंगे, तो गाइस हो सकता है कि हमको और ट्रेलर देखने को मिले क्योंकि इसमें इंडियन टीम की एक ही जर्सी दिखाई गई, ओल्ड वाली इंडियन टीम मतलब यानी कि जो वर्ल्ड कप जर्सी थी, और ना ही अभी वाली एडिडास वाली जर्सी जिसका कोलैबोरेशन करना पड़ेगा शायद से, उस अभी वो जर्सी नहीं आई है, ट्रेलर नहीं आया, शायद से हमको अभी के समय वो ट्रेलर देखने को मिल जाए या हमको अभी जो नेक्स्ट डेज का अपडेट आएगा उसके ऊपर देखने को मिलेगा। अब बात निकल के आती है कि ड्रीम क्रिकेट 24 का अपडेट भी आएगा क्या कोई, तो हाँ दोस्तों ड्रीम क्रिकेट 2024 के अंदर शायद से एक अपडेट भी आने वाला है। अब वो इंडिया के ऊपर आने से पहले आएगा या इंडिया में जो ही लॉन्च होगा वही अपडेट के रूप में लॉन्च होगा, तो हो सकता है ऐसा मे भी ठीक है। बात निकल के आती है कि यार ड्रीम क्रिकेट 2024 गेम हमारे प्ले स्टोर के ऊपर आ लॉन्च होगा या कब लॉन्च होगा ठीक है। तो भाई देखो ऐसा है, ड्रीम क्रिकेट 2024 का मैं जो है मतलब सरप्राइजली दे रही है, ट्रेलर जिस दिन आया था कोई फिक्स नहीं था कि ट्रेलर यूट्यूब के ऊपर लॉन्च कर देंगे एंड किसी को पता नहीं था क्योंकि कंपनी जो है सरप्राइजली काम कर रही है। एंड आज की बात करें तो हो सकता है कि हमें कुछ आज न्यूज़ देखने को मिल जाए या हमको कोई ट्रेलर टीजर या कोई अपडेट देखने को मिल जाए, गेम देखने को भी मिल सकता है, लेकिन रेयर चांस है उसके, बहुत कम चांस है, 10-20% मैं बोलूँगा कि गेम आएगा, नहीं तो गाइज 70-80% हो सकता है कि कोई न्यूज़ आ जाए आज के दिन, हो सकता है गाइज कि कोई न्यूज़ आ जाए, वो भी मैं हो सकता वाली बात आ रही है क्योंकि कन्फर्म नहीं है कि आज कोई चीज़ आएगी। अगर हो जाए अगर कुछ कम मतलब सॉरी अगर कुछ चीज़ें लॉन्च कर दी जाएँ जैसे कि ट्रेलर या नया टीजर, सेकंड ट्रेलर जैसे हम बोलते हैं, एंड गाइज उससे अलावा भी कोई चीज़ आ सकती है गेम की या गेम से रिलेटेड कुछ आ सकता है या गेम प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च भी हो सकता है, यानी कि हाँ गेम लॉन्च भी हो सकता है। अब उसके बारे में कन्फर्म नहीं है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट गाइज आज कुछ हो सकता है वाली बात आ रही है, कन्फर्म नहीं है कोई भी, तो अगर कन्फर्म होता तो मैं आपको बता देता ठीक है। तो इतना ही बताना था आप सभी को, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को बने सब्सक्राइब करना, टेक केयर एंड बाय बाय।